इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले स्वर्ग और पृथ्वी पर एक बड़ी आपदा आई थी जिससे दुनिया बर्बाद हो गई, जिसमें काफी लोगों की जाने गई, लेकिन फिर सभी देवता और स्पीड पहाड़ों पर बस गई जिससे फिर से दुनिया में शांति बहाल हुई। फिर अब हमें एरलांग गॉड यांग जियान को दिखाया जाता है जो अपनी उड़ने वाली शिप पर बैठा हुआ माउथ ऑर्गन बजा रहा होता है। तभी शिप का फ्यूल खत्म होने की वजह से शिप रुक जाती है। तभी यांग का साथी लैंड फ्यूल लेकर आता है और शिप के इंजन में डालकर उसे वापस चालू कर देता है। फिर वो यांग के पास आकर उसे बताता है कि फ्यूल का आखिरी बैरल ही बाकी रह गया है और हमने काफी समय से कोई काम नहीं किया जिससे हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहे। तभी वहाँ याओ भी आ जाता है जो इस शिप को चलाया करता था। लेन याओ को बताता है कि हमारे पुराने दिन कितने अच्छे थे जब हम गॉड होने की वजह से आसमान में कहीं भी उड़ सकते थे, लेकिन उस प्राकृतिक आपदा ने पक्षियों के अलावा सबसे उड़ने वालों की काबिलियत छीन ली। तभी उनके लिए एक लेटर आता है जिसमें यांग का डॉग जियोटियान उसके पास ले आता है, जिसमें पेंगलाई डिवाइन पैलेस ने एक चोर की खबर थी जो लोगों को नकली दवाइयां बेचा करता था, इसीलिए उसे पकड़ने पर इनाम रखा हुआ था। लेन कहता है कि हमें उसे पकड़ना होगा क्योंकि वो तीनों बाउंटी हंटर थे जो पैसे के लिए अब चोरों को पकड़ने का काम करते थे। जियान अपनी छोटी शिप लेकर डिवाइन रियल्म के पेंगलाई आइलैंड पर आ जाता है जहाँ से उस चोर की खबर मिली थी। पेंगलाई आइलैंड बहुत ज्यादा डेवलप था और वहाँ बहुत से लोग बसे हुए थे। यांग पेंगलाई के डार्क साइड में जाता है जहाँ उस मेडिसिन बॉय को दवाई लेने के बहाने बुलाता है और उसे उसका इनाम वाला पोस्टर दिखाता है। तो मेडिसिन बॉय उसे कहता है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते और अपने साथी को उस पर हमला करने भेजता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो गॉड है। वो डीमन जियांग पर हमला करता है लेकिन यांग उसके वार से बचता है और अपने एक हमले से ही उस डीमन को बेहोश कर देता है। ये देखकर वो मेडिसिन बॉय वहाँ से भागने लगता है। यांग भी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी उसकी शिप का फ्यूल खत्म हो जाता है जिससे वो मेडिसिन बॉय खुश होता है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, लेकिन तभी यांग के साथी जाल डालकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे शिप पर ले आते हैं। यांग लेन से कहता है कि तुम परफेक्ट टाइम पर आए हो। तो लेन बताता है कि सब जियोटियन की वजह से हुआ, उसने तुम्हें सूंघ लिया था। जियोटियन डर का गॉड डॉग होता है जो अपनी पावर की वजह से ह्यूमन में भी बदल सकता था। अब वो उस मेडिसिन बॉय को जेल में देकर अपने इनाम की रकम ले लेते हैं। फिर जब वो शिप पर आते हैं तो याओ यांग जियान को बताता है कि कोई तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही है। जियांग जब अपने कमरे में जाता है तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही थी जिसका नाम वालनू होता है। वो उसे बताती है कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो यांग जियान उसे कहता है कि हम सिल्वर बाउंटी हंटर्स हैं, हम लोगों को पकड़ते हैं उन्हें ढूंढते नहीं। तो वालनू उसे कहती है कि मैं भी उस लड़के को पकड़ना चाहती हूँ जिसका नाम चेन जियांग है, जिसने मेरी बहन का खजाना चुराया। वो बाओ लियान सेक्रेट लैंप था। मैं और मेरी बहन साथ बड़े हुए थे 12 साल पहले जो महा आपदा आई तब वो गायब हो गई और उसने मुझे वो खजाना सौंपा जो हमारे परिवार की विरासत थी, इसीलिए क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यांग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा लेकिन तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तो उसे कुछ सिल्वर स्टोन देती है और वहाँ से चली जाती है। वही हम चेन जियांग को देखते हैं जो कुछ लुटेरों की गैंग के साथ मिलकर उस फैक्ट्री पर हमला कर देता है जहाँ पर ब्लेंडेड एनर्जी को बनाया जाता था। ये वही एनर्जी थी जिससे सभी शिप चला करते थे। वो लुटेरे और चेन जियांग वहाँ मौजूद सभी गार्ड को मारने लगते हैं और पैसे लूटने लग जाते हैं, मगर चेन जियांग यहाँ पैसे लेने नहीं बल्कि वहाँ नीचे फैक्ट्री में मौजूद 7 एनर्जी चुराने आया था, इसीलिए वो नीचे फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रखवाली कर रहा था जिसकी आंखें उसके हाथों में थी। उस मॉन्स्टर को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है मगर चेन जियांग छिप जाता है और चुपके से उस पर अपने चाकू से हमला करके उसे मार डालता है। फिर वो एनर्जी को उस सिगरेट लैंप में भरने लग जाता है। वही वो लुटेरे भी सभी चीजों को लूट रहे थे लेकिन तभी वहाँ सेलेस्टियल सोल्जर आने लगते हैं, इसीलिए सभी लुटेरे वहाँ से भागने लगते हैं। चेन जियांग भी उस एनर्जी को उस बाउल में भर लेता है मगर उस फैक्ट्री को सोल्जर ने घेर लिया था। चेन जियांग को एक आइडिया आता है और वहाँ काम कर रहे छोटे मॉन्स्टर्स को आवाज लगा देता है क्योंकि उनसे वहाँ जबरदस्ती काम करवाया जाता था। वो छोटे मॉन्स्टर्स सभी पर बाहर आकर हमला कर देते हैं जिससे चेन मौका पाकर वायर की मदद से भागने लगता है और अपनी शिप पर आ जाता है। उन चोरों का लीडर भी चेन जियांग की मदद के लिए रुकने को कहता है मगर चेन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है जिससे आसमान से ही नीचे कूद जाता है, मगर सैनिक उस पर हमला करके उसे घायल कर देते हैं। वहीं हम डिवाइन रियल्म के पेंगलाई बंदरगाह को देखते हैं जहां अब यांग जियान पोर्टल से ट्रेवल करके डिवाइन रियल्म के फेंगी जियान टेम्पल पर पहुंच जाता है जिसे कैसिनो आइलैंड भी कहा जाता था। यांग अकेला कैसिनो के अंदर पहुंचता है जहां वेटर से चेन जियान के बारे में पूछता है लेकिन वो कहता है कि मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना और वो अंदर बैठे दो
लोगों की तरफ इशारा करते हुए वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि अभी चेंज यांग को ढूंढ रहे थे। तभी यांग के पास कैसीनो मंकी आता है, जो अपने दो गोरिल्ला के साथ उसे परेशान करने लगता है और उसके सर पर लगा स्कार्फ हटा देता है और कहता है कि यह वास्तव में अंधा है, क्योंकि जियांग के सर पर एयरलॉन्ग गोड होने की वजह से तीसरी आंख भी थी लेकिन वो अब बंद हो चुकी थी। कैसीनो मंकी सभी को बताता है कि यह फेमस यांग जियान है। फिर वो बताता है कि 12 साल पहले देवी यांग चान, जो कि जियान की बहन थी, उसे एक इंसान से प्यार हो गया था, इसीलिए उन्होंने स्व के नियमों को तोड़कर उससे शादी की। इसीलिए यांग जियान ने उसे माउंट हुआ के नीचे कैद कर दिया। यांग चान ने पहाड़ के नीचे फंसने से प्रेशियस बाउल लैंप से खुद को बचाने की काफी कोशिश की, जिससे यांग जियांग की जादुई शक्तियां गायब हो गई। यांग को इससे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सभी बातें झूठी थी। कैसीनो मंकी से कहता है कि सालों पहले तुमने हमें गिरफ्तार किया था जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रोंग थे, लेकिन तुम अब कमजोर हो, इसीलिए हम तुम्हें बहुत मारेंगे और उस पर हमला करते हैं। लेकिन यांग जियान अपने एक ही वार से कैसीनो मंकी के दोनों साथियों को नीचे गिरा देता है। अब वहाँ पर मो ब्रदर्स भी आ जाते हैं, जिनके नाम मो लिहोंग और मो लिहाई होते हैं, और ये दोनों वही थे जिनकी तरफ वेटर ने इशारा किया था, क्योंकि दोनों भी चेंग जियांग को ढूंढ रहे थे। उन्हें देखकर कैसीनो मंकी वहाँ से भाग जाता है। मो ब्रदर्स यांग के पास आते हैं और से कहते हैं कि 12 साल पहले माउंट वहाँ पर जो घटना हुई थी उसके बाद से हमने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन अब हमें पता चला कि तुम एक सिल्वर बाउंटी हंटर बन चुके हो। यांग कहता है कि मैं यहाँ खाना खाने आया था, तो मो लिहाई उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम किसी की तलाश कर रहे हो, लेकिन हम भी उसे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तुम उसके पीछे मत जाओ, और अगर तुमने हमारे काम में टांग अड़ाई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। यांग वहाँ से चला जाता है। वो टहलता हुआ जा रहा था तभी चेंज यांग वहाँ से भागता हुआ गुजरता है, क्योंकि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। ये वही गुंडे थे जिन्हें चेंज यांग सुबह धोखा देकर भागा था, इसीलिए उसे घेर लेते हैं। गुंडों का लीडर चेंज से कहता है कि मुझे पता है तुमने वहाँ फैक्ट्री से एक खासी चुराई थी, तो चेंज कहता है कैसा नहीं है। तभी वहाँ कैसीनो मंकी आ जाता है, जो उसे बताता है कि मुझे पता है तुमने क्या चुराया है, इसीलिए अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो लैंप मुझे दे दो। तभी यांग भी वहाँ से गुजरता है, तो चेन बड़ी चालाकी से वो लैंप यांग को दे देता है कि इसे अपने पास रखो, जिससे सभी को लगता है कि यांग भी उसी के साथ मिला हुआ है, और वो उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। चेन उन गुंडों को मारने लगता है, वो गुंडे यांग पर भी हमला करते हैं, जिससे वो भी उनसे लड़ने लग जाते हैं। कैसीनो मंकी डर कर वहाँ से भाग जाता है। लीडर यांग पर हमला करता है, लेकिन वो पावर किक से उसे एक ही वार में नीचे गिरा देता है, और चेन उसे चाकू घोप कर मार डालता है। यह देखकर जियान काफी हैरान होता है और उसे पूछता है कि तुम इतने हिंसक क्यों हो, क्या इन लोगों को मारना जरूरी था। चेन कहता है कि अगर मुझे पकड़ लेते तो यह मेरे लिए बहुत बुरा होता। फिर वो उससे लैंप मांगता है। जियान उसे कहता है कि इसमें क्या है, तुमने मुझे अपना खजाना क्यों दिया। चेन बताता है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि उन्हें लगे कि तुम मेरे साथ हो। यांग उसे कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, और अगर मैं तुम्हें यह खजाना वापस ना दूं तो तुम क्या करोगे। चेन कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो यांग उसे बताता है कि मैं यांग जियान हूँ, और उसे वो लैंप दे देता है। तो चेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यांग उसका नाम लेता है, जिससे वो हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। यांग उसे बताता है कि किसी ने मुझे तुम्हारे पीछे लगाया है। तभी वहाँ कैसीनो मंकी पर कोई हमला करता है, इसीलिए चेन वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ मो ब्रदर्स आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मो लियाई देखता है कि उन गुंडों को चाकू से मारा गया है और यांग जियान ऐसा नहीं करता, जिससे वो समझ जाते हैं कि इन्हें चेन ने मारा होगा। यांग कहता है कि मैं उसे नहीं जानता और वहाँ से जाने लगता है। तो मो लियोंग कहता है कि चेन जियांग तुम्हारे मास्टर यूडिंग के स्कूल से है, तो जियांग इससे हैरान रह जाता है। मो लियाई कहता है कि अगर तुम उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो अपने मास्टर यूडिंग से उसके बारे में पूछो। यांग डिवाइन रियल में की जिनिक्सिया गुफा पर पहुंच जाता है, जहाँ पर ही मास्टर यूडिंग का स्कूल था और वो वहीं रहा करते थे। यांग अपने मास्टर यूडिंग के पास पहुंचता है, जो एक पेड़ के नीचे बैठे मेडिटेशन कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। मास्टर यांग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी तीसरी आंख अभी भी बंद है, तो यांग उन्हें बताता है कि मेरी आंख अभी भी बंद है, लेकिन अगर मैं पूरी कोशिश करूं तो इसमें एक दरार खुल सकती है, और वो उन्हें अपनी पट्टी खोलकर दिखाता है। यूडिंग बताते हैं कि इसका इलाज बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद कोई चीज तुम्हें इसे खोलने के लिए मजबूर कर सकती है, मगर इससे तुम्हारा घाव और ज्यादा खराब हो जाएगा। फिर उसे बताते हैं कि तुम मेरे पास जब आए थे तब तुम बच्चे थे, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। 12 साल पहले तुमने लोटस पी को सील किया था, लेकिन फिर भी आपदाएं नहीं रुकी। देवताओं का क्षेत्र दिन ब दिन कमजोर होता गया और मॉन्स्टर एंड डीमन शक्तिशाली होते गए। शायद मुझसे गलती हुई और जल्दी दुनिया पर फिर से आपदा आने वाली है। तो मास्टर का शिष्य मोह ने कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम सभी को
दुनिया को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यांग मास्टर से पूछता है कि मैंने एक आदमी से सुना कि चेन जियांग आपका शिष्य था, तो मो से कहता है कि चेन जियांग तुम्हारा भतीजा है जिसे तुम यहाँ लाए थे। यांग इससे हैरान रह जाता है कि चेन उसकी बहन का बेटा है। मास्टर उसे बताते हैं कि जब तुम उसे यहाँ लाए थे तब तुम नहीं जानते थे कि वो इतना बुरा बन जाएगा। वो बचपन में बहुत मासूम था, इसीलिए मैंने उसका नाम चेन जियांग रखा क्योंकि वो वृक्ष की तरह बिल्कुल शांत था, मगर मैंने नहीं सोचा था कि उस लड़के की वजह से मेरा स्कूल एक देशद्रोही को प्रशिक्षित करने वाला स्कूल बन जाएगा। मो फिर यांग को नीचे तालाब के पास लेकर जाता है जहाँ उन्होंने सेकंड मास्टर को सील कर रखा था जिसे चेन जियांग ने मारा था। यांग पूछता है कि चेन ने ऐसा क्यों किया। मो कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि वो बच्चा बुरा है, मगर तुमने लोटस पीक को सील करके दुनिया को बचाया, इसीलिए मास्टर यूडिंग उसे स्कूल से निकालना नहीं चाहते थे। इसीलिए इस सेकंड मास्टर ने जब उसे ट्रेन करने से मना किया तो उसने उन्हें मार दिया। यांग देखता है कि उस सेकंड मास्टर के सीने पर अजीब सा घाव है, इसीलिए मो से इस बारे में पूछता है। तो मो बताता है कि चेन जियांग ने शेंगोंग बाओ के साथ मिलकर इस सेकंड मास्टर को मारा। शेंगोंग बाओ भी दरअसल एक गोर था जो शेप शिफ्टिंग में माहिर है। वो बताता है कि उन दोनों ने सेकंड मास्टर का जादुई खजाना भी चुरा लिया जो बाओ लियान सीक्रेट लैंप था। इससे यांग हैरान होता है। वहीं हम चेन जियांग को देखते हैं जो डिवाइन रियल में के एक बार में पहुंचता है जहां शेंगोंग बाओ मौजूद था, मगर वो अब शराबी बन चुका था। चेन उसे लैंप दिखाते हुए कहता है कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो गोंग बाओ से बताता है कि दिव्य ऑयल और लैंप तुमने हासिल कर लिया है, अब तुम्हें लैंप शेड को हासिल करना होगा। चेन उसे पूछता है कि यांग जियांग कौन है। वो मुझे ढूंढ रहा है और वो मेरे मास्टर के पुराने शिष्यों में से एक है। गांग बाओ अपने सोल बीस्ट लोयन के पास आकर उसे बताते हैं कि यांग जियांग तुम्हारा मामा है। तो ऐसे चेन जियांग हैरान होता है। गोंग बाओ बताता है कि तुम्हारे मामा यानी यांग ने तुम्हारी माँ को लोटस पीक पर कैद कर दिया था। उसके पास बहुत सारी नेचुरल स्ट्रॉन्ग पावर है और वो सेक्रेट लैंप की पावर से भी निपट सकता है, इसीलिए उसने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मगर तुम इस सेक्रेट लैंप को फिर से पूरा करके उस लोटस पीक को तोड़ सकते हो जिससे तुम अपनी माँ को बचा लोगे। साथियों से ये भी बताता है कि यांग जियांग भेड़ियों की झुंड की तरह है। उसने मुझे ईस्ट चाइना के एक ब्लू होल में कैद कर दिया था, इसीलिए मैं उसे बदला लेकर रहूंगा और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, मगर वो शराब में टल्ली होने की वजह से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और वापस बैठ जाता है। चेन उनसे पूछता है कि यांग जियांग मेरा पीछा क्यों कर रहा है। गोंग बाओ बताता है कि वो तुम्हारे सेक्रेट लैंप के पीछे है और तुम्हारे भी, क्योंकि ये सेक्रेट लैंप बस तुम्हारी माँ के खून और मांस से एक्टिवेट हो सकता था, इसीलिए अब सिर्फ तुम ही उसे एक्टिवेट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी माँ का ब्रेसलेट है। वही हम यांग जियांग को देखते हैं जो सोच में डूबा होता है क्योंकि पो ने उसे बताया कि बाओ लियान सेक्रेट लैंप सेकंड मास्टर का था, जबकि वानलू ने उसे बताया था कि उसकी बहन का था, इसीलिए उसे मिलने के लिए आइलैंड ऑफ गॉड पर पहुंच जाता है जहां योंगजो पैलेस में वो अपनी डांस परफॉर्म कर रही होती है। वो हाइब्रिड एनर्जी की मदद से उड़ पा रही थी। सभी उसका डांस देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर जब वानलू अपने रूम में जाती है तो वहां यांग भी पहुंच जाता है। वानलू से पूछती है कि तुम यहां इस तरह अचानक क्यों आए। यांग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा डांस और गाना बहुत अच्छा लगा और पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा हो। वानलू से कहती है कि शायद तुमने मुझे सपने में देखा होगा। जियांग कहता है कि ऐसा हो सकता है और उसे बताता है कि मैंने चेंग जियांग को ढूंढ लिया, उसने मेरे ही स्कूल में पढ़ाई की थी। और उसे बताता है कि तुमने कहा था कि सेक्रेट लैंप तुम्हारी बहन का है, पर ऐसा नहीं है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। वानलू से कहती है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें ना जानना ही अच्छा होता है। और वो यांग को अपने मिरर से एक विजन दिखाती है जिसमें उसे अपनी माँ दिखाई देती है, मगर उनसे दूर जाने लगता है जो उसे कह रही थी कि लोटस पीक को तोड़ दो। यांग की जब आंख खुलती है तो देखता है कि वानलू वहाँ से चली गई है, इसीलिए वो भी वहाँ से निकल जाता है। वयम ह्यूमन रियल में फेंगू शिपरेक नाम की जगह को देखते हैं जहाँ एक टूटी हुई शिप में चेन जियांग छिपा होता है और वो लैंप शेड चुराने की प्लानिंग कर रहा था ताकि वो लैंप पूरा हो सके। और वो लैंप शेड पास ही के एक टावर में था, तभी वहाँ यांग जियांग आ जाता है, इसीलिए चेन उस पर हमला करता है, मगर वो खुद को बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारा हमला बहुत अच्छा था। चेन अपने खंजर को बाहर निकाल लेता है। यांग वहाँ लगे लैंप के पोस्टर देखकर कहता है कि क्या तुम बाओ लियान लैंप के पीछे हो। चेन उसे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यांग उसे बताता है कि मैं तुम्हारा मामा हूँ और ये सच है कि मैं ही तुम्हें अपने मास्टर यूडिंग के पास जिनिक्सिया गुफा में लेकर गया था क्योंकि तुम उस वक्त बहुत छोटे थे और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारा कोई नाम भी नहीं रखा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ इतने बिगड़ जाओगे। चेन उसे बताता है कि वहाँ मास्टर ने मुझे कुछ नहीं सिखाया और मुझे हर दिन पीटा जाता था, उन्होंने मुझे भूखा रखा, साथ ही उन्होंने मुझे बिना
पिता का लड़का कहा। यांग को बहुत बुरा लगता है कि उसका ख्याल नहीं रखा गया। वो उसे कहता कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, पर फिर भी तुम्हें उस सेकंड मास्टर को नहीं मारना चाहिए था। तो चेन गुस्से में उसे कहता कि तुम्हें भी मेरी माँ को लोटस पीक पर नहीं गाड़ना चाहिए था, और उस पर हमला करता है। मगर जियांग बच जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ मो ब्रदर्स भी आ जाते हैं और वो चेन जियांग से कहते हैं कि तुमने अपने मास्टर को मार डाला, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग के नियमों के हिसाब से अरेस्ट किया जाएगा, इसीलिए तुम सरेंडर कर दो। यांग चेन को छोड़ देता है और उसे वहाँ से भागने देता है ताकि वो मो ब्रदर्स उसे पकड़ ना सके। मो ब्रदर्स उस जगह को बर्बाद कर देते हैं, मगर चेन वहाँ से पानी में भाग जाता है। यहाँ जियांग बाहर आता है और उसे लैंप शेड की ड्रॉइंग दिखाई देती है जिसकी लोकेशन को उसमें पॉइंट किया हुआ था, इसीलिए उसे अपने पास रख लेता है। मो ब्रदर्स यांग जियांग पर गुस्सा करते हैं कि तुमने चेन को भागने दिया, इसीलिए अब हमें तुम्हें पकड़ कर ले जाना होगा। यांग जियांग उन्हें कहता कि अभी मुझे एक मामला सुलझाना है, उसके बाद मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगा। तो गुस्से में मो ब्रदर्स अपनी पावर से उस पर हमला करने लग जाते हैं। यांग जियांग भी उन पर हमला करता है और वहाँ से भागने लग जाता है, मगर तभी एक जायंट वीजल उस पर हमला करके उसे दबो लेता है, जिससे मो लियोंग अपनी पावर से यांग जियांग को पकड़ लेता है और अब वीजल भी छोटा हो जाता है, जो मो ली शो का सोल बीस्ट था। मो लिहाई यांग जियांग से कहता कि तुम भी चेन के साथ मिले हुए हो, और उसे जेल में डलवा देते हैं। मेडिसिन बॉय वहाँ यांग जियांग को देखकर बहुत हैरान होता है। मेडिसिन बॉय यांग जियांग को कहता है कि मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता, हम दोनों को यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मगर यांग जियांग उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी उसके साथी अपना शिव लेकर वहाँ जाते हैं और उस सेवन जेल पर हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ मौजूद बीस्ट जाग जाता है। मेडिसिन बॉय जहाज देखकर समझ जाता है कि वो यांग जियांग को छुड़ाने आए हैं। अब यांग जियांग अपनी पावर से जेल के बाहर हाथ निकाल लेता है और जेलर पर हमला करके चाबी से गेट खोल देता है। वो मेडिसिन बॉय को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। फिर वो वहाँ से निकलने लगते हैं। जेल में मौजूद बीस्ट यांग जियांग के साथियों के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन यांग जियांग अपने जादुई कॉइन से उस बीस्ट का ध्यान भटकाता है और शिप पर पहुंच जाता है। वो मेडिसिन बॉय को भी अपने साथ जाल में ले लेते हैं। वो बीस्ट उन पर अपनी फायर पावर से हमला करता है, लेकिन यांग का डॉग जियोटियन वहाँ अपनी पावर से उनके हमले को बेअसर कर देता है और वो सभी वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। वही हम डिवाइन रियल्म के द क्लेरिटी टावर ऑफ फेंगी को देखते हैं, जहाँ लैंप शेड रखा हुआ था, जिसे हासिल करने के लिए चेन जियांग शेन गोंग बाओ के साथ वहाँ पहुँच जाता है। गोंग बाओ चेन को बताता है कि इस टावर में लैंप शेड का यूज लाइट के तौर पर किया जाता है ताकि यात्री को रास्ता दिखाया जा सके। फिर वो उस टावर में पहुँच जाते हैं जहाँ लैंप शेड की रखवाली मो लिंकिंग कर रहा होता है। गोंग बाओ उसे देखकर खुश होता है क्योंकि उसका दोस्त था, लेकिन मो लिंकिंग उसे कहता है कि मैं कल से इस हत्यारे लड़के का इंतजार कर रहा था कि यहाँ जरूर आएगा। जोंग बाओ से कहता है कि तुम जानते हो कि जो हुआ कि हुआ, पर्वत में कैद फिनिक्स एक दिन जरूर मुक्त हो जाएंगे। मो लिंकिंग कहता है कि मो ब्रदर्स उन दोनों को आने से रोकने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर फिनिक्स आजाद हुए तो इस दुनिया में फिर से क्योस मच जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये लैंप शेड नहीं लेने दूंगा। गोंग बाओ कहता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो और अपनी तलवार निकाल कर उस पर हमला करने आता है, मगर जोंग बाओ अपनी शराब की बोतल की वजह से ठीक से लड़ नहीं पाता और घायल हो जाता है। तो उसका लोयन बीस्ट उसके पास आता है और उसे अपनी एनर्जी देता है, जिससे वो दोनों मिलकर मो लिंकिंग पर हमला करने लग जाते हैं। चेन मौका देकर उस लैंप शेड के पास जाने लगता है, मगर मो लिंकिंग उसे देख लेता है, इसीलिए अपनी डिवाइन फॉर्म को एक्टिवेट करके वहाँ मौजूद पुल को तोड़ देता है, जिससे चेन नीचे गिरने लगता है, मगर गोंग बाओ उसे बचा लेता है। गोंग बाओ भी अब अपनी सोल पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्लैक मैजिक की पावर थी। वो अपने लोयन के डोपल गेंगर बनाकर उस पर हमला करने लगता है, जिससे मो लिंकिंग कमजोर पड़ने लगता है, मगर वो असली गोंग बाओ को पहचान लेता है और उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। तभी चेन अपनी सोल बीस्ट को एक्टिवेट करके मो लिंकिंग पर हमला करने लगता है, लेकिन लिंकिंग उसे रोक लेता है, मगर पीछे से गोंग बाओ उसे मार डालता है। मरते मरते लिंकिंग चेन से कहता है कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में ब्लैक मैजिक सीख लिया। तो चेन कहता है कि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और अब वो लैंप शेड को हासिल कर लेता है। तभी वहाँ बहुत सारी शॉट का हमला होने लगता है, जिससे चेन और गोंग भागने लगते हैं, मगर वो टावर टूट जाता है और वो लैंप शेड भी दूर गिरने लगता है। इसीलिए चेन उसे लेने के लिए शॉट की तरफ ही कूद जाता है, जिससे जब वो लैंप शेड चेन के हाथ पर बंधे ब्रेसलेट के टच होता है तो लोटस पावर एक्टिवेट होती है, जिससे एक धमाका होता है और वो टावर टूट जाता है और चेन भी दूर गिर जाता है। तभी वो सारी शॉट वापस इकट्ठा होने लगती है और वो चेन की तरफ बढ़ती है। ये देखकर गोंग बाओ चेन की मदद करता है और उन शॉट को नीचे आने से रोकता है।
वो चेन से कहता कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तो चेन वहाँ से भाग जाता है, मगर गोंग भाव उन शॉट को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और उन शॉट की वजह से घायल हो जाता है। तभी मो ब्रदर्स अपने मास्टर के साथ वहाँ आ जाते हैं और मास्टर अपनी शॉट से अब गोंग भाव को मार देते हैं। गोंग भाव का टाइगर अभी भी जिंदा होता है, जो गोंग भाव को मरा हुआ देख बहुत दुखी होता है, इसीलिए उन्हें अपनी एनर्जी देकर वापस जिंदा करने लगता है। लेकिन तभी उस लोयन पर भी कोई हमला करता है, जिससे वो भी मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि यांग जियान जब वहाँ आता है तो वो देखता है कि शेन गोंग भाव अभी भी जिंदा होता है। वो यांग से कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को काफी लंबे समय से नहीं देखा, मैंने सुना है कि तुम्हारी स्वर की आँख खराब हो गई है। यांग जियान उससे पूछता है कि चेन जियांग कहाँ है। गोंग भाव से कहता है कि वो यहाँ से भाग निकला, वो एक बहुत ही कठोर दिल वाला निर्दयी बच्चा है, मैं भी जवानी में उसी के जैसा था, इसीलिए मैंने उसे मेरी ब्लैक मैजिक पावर सिखाई। यांग जियान उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ गया होगा। गांग भाव बताता है कि उसका एक रहस्य है। जियान उसके सीने पर अजीब से घाव देखता है, इसीलिए उससे पूछता है कि ये किसने किया, मगर वो कुछ कहता इससे पहले ही वो मर जाता है। वही हम डिवाइन रियल्म के टूडू कोह का सीन देखते हैं, जहाँ जियांग अपने साथियों के साथ पहुँच गया था क्योंकि उसे ह्यूमन रियल्म में जाना था, क्योंकि उसे पता था कि चेन वहीं जाएगा, इसीलिए वो पोर्टल को खोलने के लिए एक आदमी के पास आए थे, जो जियांग को अपनी बट्टी चलाकर पोर्टल से इंसानों के लोक में भेज देता है, जिससे जियांग ह्यूमन रियल्म के चांगांग इलाके में पहुँच जाता है। मगर वो देखता है कि वो गाँव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और ये सब सालों पहले हुए स्वर की लड़ाई की वजह से हुआ था। वहीं चेन जियांग लिशान में वानलू के पास पहुँच जाता है, वो लैंप और लैंप कवर को जोड़कर उस बाओलियन लैंप को पूरा कर लेते हैं, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है और कई सारे फिनिक्स बर्ड उसके ऊपर उड़ने लग जाते हैं। ये देखकर चेन वानलू से पूछता है कि ये सब क्या है। तभी वानलू यांग जियांग को बुलाती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो भी वहीं छिपा हुआ है, इसीलिए उसे कहती है कि अब जब तुम यहाँ आई गए हो तो चेन को इस लैंप का असली काम बताओ। यांग जियांग नीचे आ जाता है, यांग उसे बताता है कि वह पर्वत का लोटस पीक फिनिक्स का घोंसला है, जहाँ महान अग्नि आत्माओं के रूप में फिनिक्स रहती है, जिनमें इस अर्थ को तबाह करने की शक्ति है। अगर उन्हें लोटस पीक से आजाद कर दिया जाए तो यह पूरा ब्रह्मांड बर्बाद हो जाएगा। देवी नोवा यानी मेरी माँ ने ये लैंप तुम्हारी माँ को दिया था, ताकि तुम्हारी माँ लोटस पीक की रखवाली कर सके, लेकिन 12 साल पहले फिनिक्स की संख्या काफी बढ़ने लगी थी, जिससे बाओलियन लैंप की पावर भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए मेरे मास्टर ने मुझे मेरी बहन की सहायता करने भेजा, लेकिन फिनिक्स की शक्ति बहुत पावरफुल थी, जिससे वो बाओलियन लैंप टूट गया, फिनिक्स आजाद होने लगे, मगर तुम्हारी माँ ने उन्हें रोकने के लिए लोटस पीक में छलांग लगा दी और मुझसे कहा कि तुम्हारा ख्याल रखना, और उसकी पावर की वजह से वो फिनिक्स वापस से नीचे सील हो गए, मगर मेरी बहन के मरने से मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने गुस्से में आकर वहाँ मौजूद चट्टानों पर अपनी कुल्हाड़ी मारी, जिससे फिनिक्स को वहीं सील कर दिया गया। वालो बताती है कि उस दिन के बाद से तुम्हारी तीसरी आँख भी फिर कभी नहीं खुली। चेन इससे काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी माँ के लोटस पीक पर कैद होने की असली वजह क्या है। वो यांग से कहता कि मुझे लोगों ने बताया था कि मेरी माँ ने एक इंसान से शादी की, इसीलिए उन्हें वहाँ कैद किया। तो यांग जियान उसे कहता है कि ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि मेरी माँ ने भी एक इंसान से शादी की थी और उन्होंने मुझे और तुम्हारी माँ को जन्म दिया, मगर मैं उस वक्त बहुत घायल था, इसीलिए मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका, इसीलिए मैं तुम्हें मास्टर के पास छोड़ आया। चेन उसे कहता है कि अगर मेरे मामा हो फिर भी कभी आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। यांग जियान बताता है कि मास्टर यूडिंग ने मुझे तुमसे मिलने के लिए मना किया था, जब तक कि तुम बड़े नहीं हो जाते। चेन वालू से कहता है कि दादी वालू क्या ये सच कह रहा है। इससे यांग हैरान होता है, वालू से कहती है कि ये सच कह रहा है, और वो यांग जियान को बताती है कि तुम्हारी माँ याओ जी की बहुत अच्छी दोस्त थी और मेरा एक और नाम है गोडेस उशन, और अभी हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम करने हैं, इसीलिए वो उन दोनों को अपने पीछे आने को कहती है। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। वालू ने एक ऊंची जगह ले जाकर माउंट वो दिखाती है और बताती है कि वही लोटस पीक है और वहाँ जो प्रकाश की रोशनी है वो सभी कैद फिनिक्स की वजह से है। चेन उसे कहता है कि मेरी माँ अभी भी वहीं फंसी होगी। वालू यांग जियान से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि ये लैंप फिनिक्स को लोटस पीक में क्यों दबाए रखता है। ये सब जिनिक्सिया गुफा के कारण है, क्योंकि तुम्हारे मास्टर यूडिंग फिनिक्स की शक्ति को काबू करते हैं, इसीलिए उन्होंने गुफा बनाई हुई है, और अगर फिनिक्स वहाँ से आजाद हो गए तो जिनिक्सिया गुफा भी टूट जाएगी, जिससे उनकी फिनिक्स पावर भी चली जाएगी, इसीलिए तुम्हारे गुरु ने तुम्हें उस गुफा की रक्षा के लिए भेजा था। यांग जियान उन्हें कहता कि मास्टर ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि यह फिनिक्स बहुत सी आपदाएं लाती है, इसीलिए सबकी जान बचाने के लिए लोटस पीक की रक्षा करना जरूरी है, और उन्होंने मुझे जिनिक्सिया गुफा के बारे में कुछ नहीं बताया। वालू से कहती है कि मास्टर यूडिंग सिर्फ अपने बारे में सोचता है, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करना चाहता है,
लेकिन अगर फिनिक्स आजाद हो गए तो ऐसा नहीं कर पाएगा और तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें धोखा दिया है और अब हम हुआ पर्वत को तोड़ देंगे और कैद यांग चांग को बचा लेंगे। यांग जियान काफी देर तक सोचता रहता है और वानलो से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन फिर भी मैं अपने मास्टर युडिंग के पास जाकर सच जानना चाहता हूं। और वो चेन जियांग से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। चेन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता, तुम भी उस पहाड़ की रक्षा करने वालों में से एक हो, अगर तुम उस पहाड़ को तोड़ने में मदद नहीं करोगे तो मैं अकेले ये काम कर लूंगा। और वो वहां से लैंप लेकर जाने लगता है। यांग जियान उसे रोकने लगता है तो वानलो अपने मैजिक से यांग जियान को रोकती है और कहती है कि तुम अपने मास्टर के प्यार में अंधे हो चुके हो और तुम अब भी उसके पास जाना चाहते हो। जियांग उस पर हमला करता है और उसे तालाब में गिरा देता है, मगर अब वानलो अपने थ्रेट पावर को एक्टिवेट कर लेती है और यांग जियान पर हमला करने लगती है। यांग जियांग उसके वार से बचता है और एक कपड़े की मदद से उसे पकड़कर दूर गिरा देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। यांग जियांग उसे कहता है कि मुझे डर है कि अगर चेन तुम्हारे साथ रहेगा तो वो भी गोंग बाओ के जैसे मारा जाएगा, क्योंकि गोंग बाओ को भी तुमने ही मारा था। वानलो से कहती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। यांग उसे बताता है कि संगीत हॉल में मुझे जो सपना आया था उसमें मेरी माँ मुझे लोटस पीक तोड़ने की कह रही थी, मगर वो सपना तुमने मुझे दिखाया था और सेकंड मास्टर को भी चेन जियांग ने नहीं मारा बल्कि तुमने मारा, क्योंकि उसकी बॉडी पर धागे जैसे निशान थे जो निशान मैंने गांग बाओ के शरीर पर भी देखे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, और अभी तुमने मुझ पर भी अपने उसी खास जादुई हथियार का इस्तेमाल किया था। और उसका हाथ पकड़कर वो हथियार दिखाता है। चेन जियांग इससे हैरान होता है और वानलू से पूछता है कि तुमने उन्हें क्यों मारा। वानलू बताती है कि अगर मैं तुम्हारे मास्टर को नहीं मारती तो तुम कभी जिनिक्सिया गुफा को नहीं तोड़ते, और मैंने शेन गोंग बाओ को जानबूझकर नहीं मारा। वो पहले दर्द से बहुत तड़प रहा था, उस समय उसके लिए मौत एक वरदान थी, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। चेन उसे कहता है कि यह सब तुमने क्यों किया। वानलो बताती है कि मैं चाहती थी कि माउंट हो बर्बाद हो जाए ताकि तुम्हारी माँ मुक्त हो सके, जैसा तुम्हारा लक्ष्य था। यांग कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर चेन यांग को रोकने के लिए अपने ब्रेसलेट से उस लैंप को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर वानलो वहाँ से भाग जाती है। चेन अपनी सोल पावर से यांग के ऊपर हमला करने लगता है, मगर यांग उसके वार से बचता है और उसके ब्रेसलेट से वो लैंप अलग कर देता है। चेन काफी कमजोर होकर बेहोश हो जाता है। चेन की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि यांग उसके सामने बैठा हुआ था। चेन देखता है कि लैंप उसके पास ही है लेकिन उसका ब्रेसलेट गायब है, इसीलिए वो यांग से कहता है कि उसे मुझे वापस दे दो। यांग उसे कहता है कि बहुत गर्म हो गया था इसीलिए मैंने इसे निकाल लिया। चेन उसे कहता है कि हमेशा मेरी कलाई से बंधा हुआ था इसीलिए कोई इसे खोल नहीं पाया, तो तुमने इसे कैसे खोल लिया। तो यांग उसे कहता है कि शायद ही हम दोनों के खून के रिश्ते की वजह से है, और इस ब्रेसलेट को तुम्हारी माँ ने कूदने से पहले अपने बालों से बनाया था और कहा था कि इसे मैं तुम्हें दे दूं। चेन उसे वापस अपने हाथ में बांध लेता है। यांग कहता है कि अब हमें हुआ पर्वत पर जाना होगा और वो आगे बढ़ने लगता है। इससे चेन हैरान होता है कि यांग उसका साथ दे रहा है और अब वो भी उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। यांग तेजी से आगे बढ़ रहा था और ये सब उसकी नाइन रिवॉल्विंग स्किल की वजह से था। धीरे धीरे चेन भी यांग के कदमों पर चलकर नाइन रिवॉल्विंग स्किल को सीख जाता है। यांग भी इसे सीखने में उसकी मदद करता है और अब धीरे धीरे चेन भी यांग को पसंद करने लगता है कि वह ऐसे काफी दिनों तक चलते रहते हैं। और अब वो फाइनली हुआ पर्वत पर पहुंच जाते हैं जहाँ चेन की माँ रहा करती थी। उस घर में चेन को अपने बचपन की यादें याद आती है और जब वो झूले में खेला करता था। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। यांग एक सीक्रेट दीवार से लोटस पीक पर जाने का दरवाजा खोलता है जिससे वो पूरी जगह बदल जाती है। उस रास्ते में बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई थी। लोटस पीक पर उन्हें फिनिक्स दिखाई देती है जो वहाँ सील थी, और वहाँ यांग को अपनी कुल्हाड़ी नजर आती है जिसने उसने पहाड़ों को तोड़ दिया था। तभी उन्हें वहाँ ब्रिज पर वानलो दिखाई देती है, इसीलिए यांग चेन को वहीं रुकने को कहता है और खुद उसके पास जाने लगता है। वानलो बंधी हुई थी, वो उसे कहती है कि सब मास्टर युडिंग की चाल है और उसे भागने को कहती है। यांग देखता है कि वो स्वर्गीय धागे से बंधी हुई है इसीलिए वो भागने लगता है, मगर तभी वो जगह कांच की तरह टूटने लगती है क्योंकि वो एक ताइजी डायग्राम था। चेन भी उस डायग्राम में फंसने लगता है लेकिन इससे पहले ही वो दूर कूद जाता है, मगर यांग उस पेपर में कैद होता है। तभी वहाँ मूर्तियों से मो ब्रदर्स भी बाहर निकल आते हैं जो वही छिपे हुए थे, और वो चेन को पकड़ लेते हैं। मो ब्रदर्स बातें करते हैं कि केवल स्क्रोल ही यांग जियान को कैद कर सकते थे क्योंकि उसकी इच्छाओं को प्रकट करेगा। अब वहाँ मास्टर युडिंग भी आ जाते हैं। यांग जियान उस डायग्राम की वजह से कई सारे आयामों से गुजरता है। फिर उसे अपने बचपन का किस्सा याद आता है, जब वो छोटा था तो उसकी माँ लोटस पीक को बचाने की वजह से दूर चली गई थी, इसीलिए उसने लोटस पीक को तोड़ दिया
जाता था और वो नीचे खाई में गिर जाता है, मगर उसे अपनी माँ दिखाई नहीं देती, बस उनकी आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि वो पर्वत अब आजाद हो चुका है, इसलिए मुझे भी अब मुक्ति लेनी होगी क्योंकि हमारे परिवार की महिलाओं का यही भाग्य है, हमें विश्व शांति बनाए रखने के लिए लोटस पी की रक्षा करनी पड़ती है। यांग जियान रोने लग जाता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम मत रो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा क्योंकि कोई कभी नहीं मरता, इसलिए हर जलती रोशनी में तुम मुझे कभी भी कहीं भी देख सकते हो। मगर यांग जियान उनकी बातें नहीं समझता क्योंकि उस वक्त उसने अपनी माँ को पाने के लिए वो लोटस पीक तोड़ी थी। अब जब वो आगे बढ़ता है तो मास्टर उसे जिनिक्सिया गुफा का सीन दिखाते हैं, जब उसने उसे गुफा को सील करने को कहा था। जियांग समझ गया था कि यह सब एक ताइजी डायग्राम है, इसीलिए वो उस गेम को गलत तरीके से खेलता है। अब उसे मास्टर दिखाई देते हैं जिनसे वो कहता है कि मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपने मुझे इस डायग्राम में फंसाया और मुझे झूठी यादें दिखा रहे हो। यूडिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें लोटस पीक को बर्बाद करने नहीं दे सकता, तो यांग जियान कहता है कि वहाँ लोगों की बातें सच थी, इन फिनिक्स के साथ जिनिक्सिया गुफा जुड़ी हुई है। यूडिंग कहते हैं कि जिनिक्सिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यांग जियान उन्हें कहता है कि आपकी वजह से मेरी बहन यांग जियान इस गुफा के नीचे फंस गई। यूडिंग कहते हैं कि यही उसकी नियति थी और उसे बताते हैं कि तुम्हारे परिवार के सभी माँ और बेटे दुनिया की तबाही से जुड़े हुए हैं, विश्व शांति बनाए रखने के लिए तुम्हारे परिवार की माताओं को माउंट टूअर की रक्षा करनी पड़ती है और उनके बेटे की नियति है कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए इस माउंट टूअर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि अगर वो पहाड़ को नष्ट कर देंगे तो लोटस पीक भी नष्ट हो जाएगा और फिनिक्स उड़ जाएंगे, जिससे हर जगह आपदा और अराजकता पैदा होगी। और पिछली बार जब तुमने अपनी माँ को बचाने के लिए ऐसा किया था तो बहुत तबाही हुई थी, और इस बार चेन जियांग अपनी माँ को आजाद करने के लिए इस पहाड़ को तोड़ना चाहता है। यांग जियान हंसता हुआ कहता है कि जब मैं अनाथ था तो आपने मुझे पाला और एक छात्र की तरह पढ़ाया और हर तरह की मिस्टिकल आर्ट्स और टेक्निक सिखाई, मगर जब चेन जियांग को मैंने आपके पास छोड़ा तो आपने उसे कुछ नहीं सिखाया ताकि वो माउंट टूओ को ना तोड़ सके। यूडिंग कहते हैं कि तुम्हारी बातें सच है, मगर मैं तुम्हारी माँ की तरह ही शांति बनाए रखना चाहता हूँ। वालो यूडिंग से कहती है कि तुम्हारी जिनिक्सिया क्यों नष्ट होकर रहेगी, क्योंकि अब फिनिक्स की शक्ति बढ़ गई है और तुम जिनिक्सिया गुफा को नष्ट इसीलिए नहीं होने देना चाहते हो क्योंकि उसका जीवन तुम्हारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। यूडिंग बताते हैं कि ये सच है और माना कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इस गुफा को नष्ट नहीं होने दूंगा। यांग जियान काफी दुखी होता है कि मास्टर ने उसे धोखा दिया और अब वालो और चेंग को भी स्क्रॉल में डाल देते हैं ताकि उन तीनों को मार सके, और अब मो लियोंग अपने सुरों की पावर से उन तीनों पर हमला करने लग जाता है। यांग जियान उन हमलों से बचता है और अब चेन खुद को बचाने के लिए उस दिव्य लैंप की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, मगर इससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। यांग और वालो भी उसकी मदद करते हैं जिससे वो मो ब्रदर्स के हमलों को रोक पा रहे थे। तभी उस डायग्राम में फिनिक्स बर्ड का पंख टकराता है जो डायग्राम से भी आर पार हो रहा था, इससे यांग जियान समझ जाता है कि वो फिनिक्स के जरिए बाहर निकल सकता है, इसीलिए वो चेन जियांग को छोड़कर नीचे की तरफ भागता है। मो ब्रदर्स उसे रोकने की कोशिश करता है मगर उनके वार से बचता हुआ फिनिक्स के पंख को पकड़ लेता है और अब वो ध्यान लगाकर अपनी तीसरी आंख भी खोल लेता है जिससे वो डायग्राम से बाहर निकल आता है। वो मास्टर यूडिंग से कहता है कि अब मैं तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगा, और अपने डिवाइन स्टेच्यू पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वहाँ पड़ी अपनी कुलाड़ी को भी उठा लेता है। ये देखकर मास्टर और मो ब्रदर्स मिलकर यांग जियान पर हमला करने लगते हैं जिससे यांग को चोट लगती है, मगर वो दोबारा खड़ा हो जाता है और अब वो फाइनली अपनी कुलाड़ी को बाहर निकाल लेता है जिससे वहाँ के कुछ फिनिक्स भी आजाद होने लगते हैं। यांग मास्टर से कहता है कि मेरी माँ आपकी गुफा की नहीं बल्कि इस दुनिया को बचाना चाहती थी, और वो उन फिनिक्स की पावर के साथ मास्टर पर हमला करता है जिससे मास्टर और मो ब्रदर्स खत्म हो जाते हैं और अब उसकी तीसरी आंख वापस बंद हो जाती है। वो डायग्राम भी अब खुल जाता है जिससे वालो और चेन जियांग बाहर आ जाते हैं। यांग चेन को बताता है कि तुम्हारी माँ जिनिक्सिया गुफा को नहीं बल्कि लोगों को बचाना चाहती थी, इसीलिए अब तुम इस लोटस पीक को नष्ट कर सकते हो, और अब चेन जियांग यांग की कुलाड़ी और उस लैंप की पावर से उस लोटस पीक पर वार करता है जिससे उसमें दरार पड़ जाती है और वहाँ नीचे के सभी फिनिक्स बर्ड आजाद होकर बाहर निकलने लग जाते हैं। वो तीनों भी नीचे गिर जाते हैं। चेन अपनी माँ को पत्थरों के नीचे ढूंढने लगता है, तभी उसे अपनी माँ की वॉइस आती है तो दौड़कर उनके पास जाता है, मगर वो उनके आर पार निकल जाता है क्योंकि वो सिर्फ उनकी सोल थी। चांग यान अपने बेटे से कहती है कि अब तुम बड़े हो गए हो, और यांग को कहती है कि भाई मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ कि चेन का ख्याल रखना, तो चेन अपनी माँ से पूछता है कि आप कहाँ जा रही है। चांग यान बताती है कि मुझे भी फिनिक्स के साथ जाना होगा क्योंकि मुझे विश्व और तुम्हारी रक्षा करनी है, ये कहकर वो डस्ट बनकर उड़ने लगती है। चेन इससे काफी दुखी होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपनी माँ को नहीं पा सका। यांग
उसे बताता है कि तुम्हारी माँ पहले ही फिनिक्स के साथ जुड़ चुकी थी और अब पहाड़ भी टूट गया है, इसीलिए फिनिक्स आजाद है, इसीलिए तुम्हारी माँ को भी उनके साथ जाना पड़ा, लेकिन हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ हम नेजा और मंकी किंग को देख पाते हैं जिन्हें यांग जियान की कहानी एक स्टोरी टेलर सुना रहा होता है, मगर वो स्टोरी टेलर नेजा को देख कर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो कैसीनो मंकी होता है। और इसी के साथ ये मूवी फाइनली यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने अभी तक नेजा 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।